हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम जो हैं आज से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जीके मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और जनरल स्टडी का क्या करेंगे, क्लास करेंगे। और एक किस लिए क्लास स्टार्ट हुआ है, खास करके हम लोग जानते हैं कि अभी जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आया हुआ है इंटर लेवल का, और साथ ही साथ किसका फॉर्म आया है, तो आया है आपका बिहार एसआई का, और भी जो रेलवे का आएगा वैकेंसी, जितना भी आएगा वैकेंसी, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग जानते हैं कि साइंस का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है हर एग्ज़ाम में, जैसे कि बिहार एसएससी ही होगा, उसमें हम लोग जानते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन होगा बिहार एसएससी का, बीएसएससी जो है आपका, उसमें टोटल क्वेश्चन होगा आपका 150 नंबर में आपका जो रहेगा जीके का और जीएस का जो पेपर रहेगा जनरल स्टडी का, वो 50 क्वेश्चन रहेगा। और आपका साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा, साइंस का कितना रहेगा, तो आपका रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा। अरे हर जो क्वेश्चन होता है करीब करीब आपका 4 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। अगर 80 का हम लोग देख लें तो 80 से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 320 नंबर का ही इतना पेपर से ही आता है। टोटल पेपर कितना का है, तो 600 नंबर का है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होगा टोटल, जिसमें 50 रीजनिंग का होगा और 20 जो होगा आपका मैथ होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बिहार एसआई में हम लोग भी देखें तो बिहार एसआई में क्या होता है कि बिहार एसआई में भी साइंस 15 से 20 क्या होता है, साइंस क्वेश्चन ही होता है, यहाँ भी होता है। उसमें तो जीके जीएस ही सिर्फ पूछने वाला है, ठीक है, और साइंस पूछने वाला है। तो हम लोग को ये सब क्या करना है, बहुत अच्छा से कंप्लीट करना है, ताकि आगे का जो भी 3-4 महीना में, हम लोग जानते हैं कि ये जो 6 महीना है बहुत ज़्यादा एग्जाम आने वाला है, सही से मेहनत करिएगा तो आपका इसमें सिलेक्शन होना ही होना है। रेलवे का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, उसमें हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस पूछता है, ठीक है। फिर क्या पूछता है, आपका जीके पूछता है, ठीक। साइंस पर हम लोग इसलिए फोकस ज़्यादा देंगे कि क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग बना नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, उसका क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे कि आज मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट जैसे कि भौतिक राशि हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का, तो वो वाला पढ़ने के बाद क्या होगा, उसका 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितना भी होगा उसको लगा लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब कि साइंस से शुरू करेंगे। 3 दिन क्लास साइंस का रहेगा, और 3 दिन जो क्लास रहेगा क्या चीज़ का रहेगा, तो जीएस का रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्लास हो जाए, मतलब 6 क्लास रहेगा आपका जीके का, 6 क्लास ही रहेगा, मतलब 2-2 क्लास अपलोड होते रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स में मतलब कि भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिकी विज्ञान हम लोग जानते हैं फिजिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा जो इसमें भरने वाले हैं बिहार से हैं, तो क्या होगा, हिंदी वर्ड को पकड़ के रखना है, और हिंदी वर्ड बहुत अच्छा है, हिंदी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जो काम करिएगा तो आप क्षेत्रीय ही काम करिएगा, ऐसा नहीं है कि लंदन में जाके काम करिएगा, तो हिंदी आना ही आना है और आना ही चाहिए आपको, तभी आप क्या करिएगा, ग्राउंड लेवल पर एक अच्छा अधिकारी या अच्छा जो भी एसआई बनिएगा तो अच्छा काम कर पाइएगा, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशियाँ, मतलब फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तो फिजिक्स में सबसे पहले शुरू क्या होता है, भौतिक राशियाँ, और मापन शुरू होता है, मेजरमेंट शुरू होता है, फिजिकल क्वांटिटी, और क्या होता है आपका, मेजरमेंट शुरू होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, तो भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, भौतिक राशि, आखिर में होता क्या है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वो होता है, जो याद रखना है कि भौतिक राशियाँ क्या होता है, कि कोई भी मैटर मतलब कि द्रव्य, कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट जो है, उसका सही स्थिति को जानने के लिए जिस चीज़ को व्याख्या किया जाता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। ये बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका उचित व्याख्या जानने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई को मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग होता है, मीटर का उपयोग होता है, ठीक है। लंबाई उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, एक नाम दिए हैं। अब जैसे कि कोई
आदमी है, उसका नाम चलिए मान लेते हैं कि राम है, और राम का बेटा का नाम कुछ है, अमित नाम है, तो उसका प्रॉपर एक नाम होना चाहिए, नहीं तो क्या किसको हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। ठीक उसी तरीका से कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, उसको उचित व्याख्या करने के लिए एक नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब दूसरा बात क्या याद रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है अदिश राशि, एक होता है आपका अदिश राशि, और दूसरा होता है आपका सदिश राशि। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सदिश राशि मतलब इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में, मतलब कि अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि कहते किसको हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो अदिश राशि किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि वे क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसमें, तो परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, और दिशा नहीं होगा, क्या होगा दिशा आपका इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे में क्या है, आपका लंबाई है, आपका वेट है, ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, समय है, ये सब क्या चीज़ है, तो आपका एक तरह से अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल में आप अगर याद रखना है तो क्या याद रखना है कि जैसे कि आपका गति है, तो गति है आपको बोल दे कोई कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, कहाँ पे जाना है, कोई दूरी है तो कोई डिस्टेंस है, ये भी एक क्या है, अदिश राशि है। 5 किलोमीटर जाना है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, किधर जाना है ये नहीं पता है। ठीक है, तो एक तरह का दूरी भी क्या हो जाता है, आपका अदिश राशि हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसमें क्या होता है, आपका दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, दूसरा बात लंबाई है, आपको कह दे कि 5 मीटर नापिए, तो 5 मीटर किस डिग्री पर नापें, 360 डिग्री पर नापिएगा तो 360 तरह के हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता है। ठीक, इसलिए जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको अदिश राशि बोलते हैं। दूसरा क्या है, आपका सदिश राशि है, तो सदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि किसको कहते हैं, तो सदिश राशि वो होता है जिसमें, सिंपल से याद रखना है, सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें परिणाम आपका परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा, आपका दिशा डायरेक्शन भी उसमें होगा ही होगा, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और क्या हो कि आपका परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो अपना सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर हम लोग इसमें जानते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सदिश राशि का, तो सदिश राशि का एग्जाम्पल होगा जैसे कि फोर्स, फोर्स हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं फोर्स को। तो ये कैसे होगा, मान लिया जाए कि हमको कहना है कि आप इस पर 5 kg फोर्स लगाइए। ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो किधर से लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे इस पर लगा रहे हैं, डायरेक्शन पता हो गया। ठीक है, पूरब से पश्चिम लगाइए तो डायरेक्शन पता हो जाएगा, मतलब कि फोर्स जब भी लगाएंगे तो हम लोग को साथ में साथ डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा। दूसरा बात अगर हम लोग जानते हैं तो क्या होता है कि ये आप याद रखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वेग बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आपका क्या होता है कि आपका एक सदिश राशि होता है। जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो ये सब को भी डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे कि कैसे सदिश राशि होता है, कैसे अदिश राशि होता है। विस्थापन भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। आखिर में विस्थापन होता क्या है, एक सिंपल सी तरीका जान लें, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक दूरी ही है। मान लीजिए कि ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और ये दोनों का बीच का दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी में अंतर क्या होता है, तो देख लें। अगर ए पॉइंट से आपको बोला जाए कि ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है, लेकिन इसके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा है, क्या है, इसके लिए मान लेते हैं कि 4 रास्ता है जो ए से बी तक जाता है, लेकिन ये 4 के 4 क्या है, एक तरह का दूरी है, डिस्टेंस है, लेकिन इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन है, जो सबसे कम दूरी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन बोलते हैं। और जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है तो हम लोग जान जाते हैं कि सबसे कम दूरी वाला, तो मतलब उसमें दिशा तो ज़रूर पता होगा। मान लिया जाए आपको बोला जाए कि जाओ एक
दूध का पैकेट लेकर आइए दुकान से, तो आप किसी तरीका से घूम के जा सकते हैं और कोई भी दुकान से दूध ला सकते हैं। लेकिन आपको बोल दे कि ए वाला दुकान जो है किसी का दुकान है उनके पास से लाना है और आपको ए सीधा रास्ता से जाना है जो सबसे नज़दीक है, जल्दी से आपको आना है। तो जल्दी से आने का मतलब आप सबसे छोटा रास्ता यूज करिएगा, और छोटा रास्ता यूज करने का मतलब कि डायरेक्शन प्रॉपर पता था, ठीक। और जैसे ही डायरेक्शन पता होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन इसीलिए क्या होता है, एक सदिश राशि में आता है। डिस्टेंस सदिश राशि में नहीं आता है, अदिश राशि में आता है, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि में आता है, ये बात आपको याद रखना है दोनों में। और डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस कोई भी हो, कोई भी पाथ पर आप चलते हैं, कोई भी रास्ता पर, और जो आप दूरी कवर करते हैं उसको हम लोग दूरी मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। लेकिन दिशा अगर विस्थापन पूछे तो एक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ तक क्या जाने कि सदिश राशि अदिश राशि के बारे में अभी तक हम लोग जाने हैं, और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। एक बात आपको और याद रखना क्या है कि जो राशियाँ हैं, जो भी क्वांटिटी है, उसको दो और भी तरीका से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो आपका याद रखना है कि मूल राशियाँ होता है, मूल मात्रक होता है, ठीक है, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है। दो तरह से और भी अलग तरीका से बांटा गया, जैसे जैसे साइंटिस्ट जन्मे थे, जैसे जैसे उसमें भूमिका निभाए थे खोज करने में, वैसा वैसा खोज हुआ था, और दोनों को सत्य माना गया है, सही माना गया है। तो इसीलिए दोनों को हम लोग याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो एक तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश के बारे में याद रखना है। दूसरा, दूसरे तरह से वर्गीकरण हुआ है कौन सा, तो दूसरे तरह से जो वर्गीकरण हुआ है आपका फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी के रूप में। तो फंडामेंटल मतलब कि मूल राशियां किसको बोलते हैं, मूल मतलब बेसिक, मूल राशियां क्या होता है, मूल मात्रा क्या होता है, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो वे क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, के सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल मात्रक या मूल राशियां या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी इसको बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। होता कौन कौन है, जैसे कि लंबाई है, ठीक है, लंबाई है आपका, समय है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। व्युत्पन्न राशियां क्या होता है, तो व्युत्पन्न राशियां वो कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसको दूसरे पर निर्भर हो, किसी और पर भी निर्भर हो, जैसे खुद पर तो निर्भर हो ही, साथ ही साथ किसी और पर भी निर्भर हो, उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न क्वांटिटी। ये बात आपको याद रखना है। तो व्युत्पन्न क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, आपका चाल आ जाएगा, ठीक है, चाल। और चाल को हम लोग लिखते हैं, इसका अगर आप जानिएगा चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, दूरी बाय समय होता है। ये बात आपको याद रखना है, दूरी बाय समय होता है। तो आप एक बात बताइए कि जैसे मान लिया जाए दूरी बढ़ेगा तो आपका इस पर इफेक्ट आएगा कि नहीं, समय आपका बढ़ेगा तो इस पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि ये जो चाल है आपका समय और दूरी दोनों पर डिपेंड है। लेकिन आप बताइए कि समय किस पर डिपेंड है, खुद पे सिर्फ, ठीक है, लंबाई किस पे डिपेंड है, खुद पे। तो ये सब चीज़ जो खुद पर डिपेंड होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ बोलते हैं, और जो दूसरे पर भी डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो व्युत्पन्न राशियाँ या ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये मास पर भी डिपेंड है, एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड है। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स भी बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, हर समय इक्वल होता है। तो मास किसी चीज़ का एक बार जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, कोई भी परिस्थिति में जो होगा वो होगा हमेशा सेम होता है, हमेशा क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे ही आपका फोर्स भी बढ़ जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक, मेजरमेंट। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मापन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मापन, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे क्वेश्चन में मान लिया जाए इंग्लिश ही वर्ड सिर्फ दे दिया तो क्या करिएगा, और इंग्लिश याद नहीं रहा हिंदी ही याद रहेगा तो क्या करना है, दोनों याद रखना है। आखिर में मापन क्या होता है, आपको एक फित्ता दिया जाए, मानते हैं 5 फीट का, और आपको कहे कि 10 व्यक्ति का हाइट नापना है। कोई का हाइट 5 फीट आया, कोई का हाइट 6, कोई के
5 फीट कुछ इंच कुछ का कुछ आया, तो एक तरह से क्या है आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कोई आप एरिया माप रहे हैं, कोई आप मान लिया जाए कि वॉल्यूम माप रहे हैं, तो जो भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यूज करके आप किसी चीज़ को आवश्यकता अनुसार किसी चीज़ को मापते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, मापन बोलते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि एक बोरा गेहूं है इसको माप दो, तौल दो, तो आप तौलिएगा 5-5 केजी का बटखारा लेके, या ऐसा मशीन अब तो आ गया है कि एक बार लोड करिएगा आपको बता देगा। तो जो भी आप करते हैं जिस भी तरीका से मापते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग हर चीज़ को मापन करते हैं, जैसे कि फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगा न्यूटन में मापता है, कोई बोड़ा में कितना धान है डाला हुआ वो मापते हैं, वो भी हम लोग केजी में मापते हैं, ये भी है। आपका कितना वेट है ये भी हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी चीज़ है एक तरह से मेजरमेंट है। आप एक बेड खरीदने गए और कहें कि 6x6 को हम लोग को बेड चाहिए, मतलब कि 36 square feet का आपका बेड है तो इतना हम लोग को चाहिए, तो ये आपका एक तरह से मेजरमेंट है। आप घर बनवा रहे हैं तो 200 square feet का होगा, 1000 square feet का होगा, 5000 square feet का होगा, जितना भी होगा आपका क्या होगा, एक तरह का मेजरमेंट है। ये बात आपको याद रखना है, मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम होता है 2-3 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक। और बेसिक कंप्लीट नहीं रहता है फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, अरे छोटा क्वेश्चन था छूट गया, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इकाई बोलते हैं, ठीक है, इकाई, ठीक। और इकाई क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एकदम छोटा यूनिट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम में आए, नंबर में तो सबसे छोटा मान लेते हैं कि एक होता है, मतलब कि यूनिट हुआ, ठीक है। कोई फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाएं, मान लिया जाए कि 10 newton फोर्स लगाएं, लेकिन उसका यूनिट कितना होगा, तो 1 newton होगा, समझ रहे हैं बात को। तो मतलब कि जो भी आपका है उसको हम लोग यूनिट में मापने के लिए जब भी यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो यूनिट एक होता है, यूनिट मतलब कि एक। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया है। और एक कब बना था ये भी पूछ सकता है आपको, तो 1960 में एक संस्था बना था, उसके अनुसार से SI यूनिट को हम लोग मापते हैं, ठीक है। 1960 में, ये बात याद रखना है, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में होता क्या है कि मीटिंग जब होता है तो जगह जगह से, सब जगह से साइंटिस्ट जाते हैं और वो अपना अपना रिसर्च अपना अपना रखते हैं और ये बोलते हैं कि ये चीज़ हुआ था। और उस सम्मेलन में एक SI यूनिट नामक एक पद्धति को अपनाया गया, और पद्धति को अपनाते ही ये वाला इसलिए अपनाया गया कि सभी जगह अप्लीकेबल हो, ठीक है। मान लिया जाए भारत में भी ये अप्लीकेबल हो, ब्रिटेन में भी यही चले, ऑस्ट्रेलिया में भी यही चले, ठीक है, अमेरिका में भी यही चले, जापान में भी यही चले, अफ्रीका का कोई भी कंट्री हो यही चले। तो इसलिए एक ऐसा बनाया जाता है कि सब जगह पर जाएं और अच्छा से यूज हो पाए, ठीक है। मान लिया जाए कि आप यहां से पढ़ाई किए, अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में SI यूनिट है ही नहीं तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक ऐसा बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब दूसरा बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़े थे कि फिजिकल मतलब कि ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी था। अब दूसरा हम लोग इसमें जानते क्या है कि मूल राशियाँ, आखिर में मूल राशि है कितना, मूल राशि मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी है कितना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपका कितना है, मतलब कि मूल राशियाँ आपका कितना है, तो 7 है, ये बात आपको याद रखना है। मूल राशि कितना है आपका, तो 7 है, 7। अब कौन कौन है ये भी जान लें, तो कौन कौन है आपको, आपका एक तो सबसे पहले है आपका लंबाई है जिसको, ठीक है, मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा द्रव्यमान है, ठीक है, केजी से हम लोग डिनोट करते हैं। समय है, ठीक, सेकंड से करते हैं। ताप है जिसको केल्विन से करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। विद्युत धारा है जिसको एम्पियर से करते हैं। एक ज्योति तीव्रता होता है जिसको हम लोग कैंडला से करते हैं। अब पदार्थ का मोल, अमाउंट ऑफ सबस्टांस ऑब्जेक्ट मैटर, उसको हम मोल से करते हैं, पदार्थ का मात्रा जिसको हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, मोल से करते हैं। ये आपका 7 है, ठीक है, याद रखना है।
इसका टेंशन मत लेना है, इसका सबसे पहले क्या किया जाएगा, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़िए और पीडीएफ से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पीडीएफ इसको डाल देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो आपका साथ कौन कौन है ये बात आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है लंबाई, दूसरा याद रखना है द्रव्यमान, तीसरा याद रखना है समय, चौथा याद रखना है ताप टेम्परेचर, पांचवा याद रखना है विद्युत धारा, छठा याद रखना है आपका ज्योति तीव्रता, ठीक है, और सातवा याद रखना है पदार्थ का मोल। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग मोल से करते हैं डिनोट। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, सात मूल राशि है तो इतना याद रखना है। ठीक, बाकी जितना भी राशि होगा सब के सब क्या होगा, व्युत्पन्न होगा, डिपेंडेंट होगा, जैसे फोर्स है, वेग है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, जितना भी ये सब चीज़ है, त्वरण है, जितना भी आपको जो भी देखना है सारे के सारा क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, भौतिक राशियों के मापने में प्रयुक्त मात्रकों की चार पद्धतियां को उपयोग किया जाता है। भौतिक राशि जो है फिजिकल क्वांटिटी है उसको मापने के लिए चार पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट पर तो ज़्यादा फोकस देंगे ही देंगे, लेकिन पुराना वाला भी क्या होता है, जो मापने का तरीका था उसको भी पूछ लेता है। ठीक, तो चार क्वांटिटी, चार पद्धति कौन कौन सा है, तो पहला आपका है MKS पद्धति। ठीक, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति। तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरा आपका है FPS पद्धति, FPS पद्धति। और चौथा आपका क्या है, SI यूनिट, लास्ट में जो बना था SI मात्रक। अब पहला वाला का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है आपका पहला वाला का आपका मतलब क्या है, MKS पद्धति तो है तो लिखा हुआ है, इसको जानना भी जरूरी है। तो MKS का मतलब क्या होता है, मीटर kg आपका क्या सेकंड, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा वाला का क्या है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तीसरा के याद क्या रखना है, तो फुट पाउंड सेकंड। ये जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो ब्रिटेन में यूज होता है। एसआई यूनिट का क्या है, जो सिस्टमैटिक यूनिट जो बना है इसका कब होता है सिस्टम ऑफ यूनिट का, तो ये हम लोग का यूज अब ऑल ओवर वर्ल्ड में होने लगा है। कब से होने लगा है, तो आपका 1960 के बाद से हमेशा इसी का अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अभी हम लोग देखे थे कि सात जो है फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल राशियां हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि दो जो है आपका सप्लीमेंट्री है, टू जो है संपूरक मात्रक है, जिसको संपूरक मात्रक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक मात्रक कौन कौन है, ये बात आपको याद रखना है। तो कौन कौन है ये हम लोग देख लेते हैं। दो अपना सप्लीमेंट्री है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो पहला है समतल कोण है, और दूसरा कोण है तो आपका ठोस कोण है, ये बात आपको याद रखना है। इसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं, रेडियन इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। दूसरा क्या है, इसका क्या है, तो एस्टे रेडियन है, ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। अगले बार हम लोग जब मिलेंगे, जो भी इसमें टॉपिक छोटा मोटा बाकी है उसको पूरा कर लेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा कि जितना भी हम लोग को क्वेश्चन आएगा वो आसानी तरीका से सोल्व हो जाएगा। पढ़ने का सही तरीका एक ही है कि आप एक तो सिलेबस कंप्लीट करिए, और दूसरे ही साथ ही साथ उसका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया है तो इसका साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही होता है, बेसिक होता है जानने के लिए, क्या है फुट पॉट सेकंड पद्धति, क्या है MKS पद्धति, क्या है SI यूनिट। ठीक है, ये सब हम लोग का कौन सी है मूल राशियाँ, कौन सी है, कौन है भौतिक राशियाँ, कौन सी है, क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्या है आपका, जैसे मैं आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आपको याद रखना है। बेसिक भी आजकल स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, मान लिया जाए ऐसा पूछ दे कि विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या मारिएगा, जानते ही नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्वांटिटी कौन सा है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, तो क्या बताना है, जानेंगे प्रॉपर तभी हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।